मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य की अध्यक्षता में हुई मैराथन बैठक में लिए गए निर्णय को देखते हुए डीपीए के प्रांतीय पदाधिकारी और जनपद पदाधिकारियों ने शनिवार को मिली जानकारी के अनुसार डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन की विभिन्न मांगों को शासन द्वारा संघ से एक माह का समय मांगा गया है, जिसकी वजह से एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने निर्णय लिया गया कि संघ द्वारा 8 दिसंबर 2018 से पहले होने वाले आंदोलन एक माह के लिए स्थगित किया जाता है। शासन द्वारा 7 जनवरी 2019 को अगली बैठक बुलाई गई है, जिसमें समीक्षा किया जाना है। मुख्य सचिव एवं प्रमुख सचिव वित्त ने जल्द निस्तारण को आश्वस्त किया है, लेकिन संघ अपना दबाव बनाए रखना चाहता है, इसलिए संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी की समीक्षा बैठक 13 जनवरी 2019 को ही की जाएगी, जिसमें शासन द्वारा किए गए कार्यवाही की समीक्षा होगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष बी डी चौधरी ने कहा, कल वार्ता उसी क्रम में जो हम लोगों का काला फीता और आज का सामूहिक अवकाश का था, तो कल वार्ता में शाम को वार्ता हुई प्रमुख सचिव, विशेष सचिव और हमारे डीजी महोदय महानिदेशक के साथ। उसमें उपस्थित मुख्य सचिव और विशेष सचिव वित्त और अपर सचिव सभी लोग थे, और इन लोगों ने वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए तत्काल निर्णय लेने के लिए निर्देश दिए हैं, और पुनर्नियुक्ति जो पदोन्नत की थी उस पर जल्द ही उन्होंने 10 वर्ष की सेवा के लिए जिसकी पूरी हो जाएगी उनको राजपत्रित घोषित करने के लिए प्रस्ताव उन्होंने डीजी महोदय ने भेजा है, और पदों का सृजन जो नए नवनियुक्त फार्मेसिस्ट हुए हैं उनकी वरिष्ठता क्रमांक इसमें शामिल किया जाएगा, और अब नए फार्मेसिस्टों की वरिष्ठता सूची जल्द ही वो तैयार करके शासन को उपलब्ध कराएंगे, और वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए जो कमेटी बैठी हुई है वो एक माह के अंदर उन्होंने कहा है जल्द ही निस्तारण उसका कर दिया जाएगा। इसी सब वार्ता के क्रम में उन्होंने कहा जनहित में फार्मेसिस्ट एक बहुत बड़ा संगठन है जो प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ है, अगर ये फार्मेसिस्ट हड़ताल पे चले जाएंगे तो जनभावना जनता को बहुत ही कष्ट झेलना पड़ेगा, और दूर दराज जो जहाँ पे कोई नहीं ग्रामीण के अलावा वहाँ ना कोई डॉक्टर मिलता है ना वो सारी सेवाएँ बाधित हो जाएंगी। इसीलिए हमारे संगठन के लोग के सचांग संदीप बडोला और अतुल मिश्रा, बीपी मिश्रा, ये आज सब लोग उपस्थित थे। उस समय उन्होंने ये सारी बातों को स्वीकार करते हुए डीजी महोदय को भी निर्देश दिया गया है, डीजी महोदय तत्काल जो प्रस्ताव डीजी से प्रस्तावित है वो तत्काल वो प्रस्ताव भेजेंगे, और 10 वर्षों की राजपत्रित घोषित करने के लिए वो प्रस्ताव जा चुका है। वेतन विसंगतियों के बारे में महानिदेशक ने बताया कि मैंने शासन को अवगत कराया है, जल्द ही उस पर निर्णय ले लिए जाएंगे। इसीलिए वार्ता के क्रम में ये जो हड़ताल होनी थी 10 दिसंबर तक एक माह के लिए स्थगित कर दिया गया है, जो सभी संवर्ग के जिले के पदाधिकारियों को अवगत भी करा दिया गया है कि सब लोग अपने अपने कार्य पर रहें। आज सुचारू रूप से कार्य हमारे जिला अस्पताल का चल रहा है। सुबह आए तो थोड़ा अफरी तफरी थी कि हम लोग बंद रखेंगे, लेकिन क्योंकि व्हाट्सएप ऐसा व्यवस्था हो गई है जिससे सभी लोग को सूचना तत्काल हो गई। सीएमओ भी वार्ता के क्रम में उन्होंने उनके डिप्टी सीएमओ ने मुझसे जानकारी हासिल की कि दूरदराज के जो सीएससी पीएससी और एसएडी के लोग हैं वो फ़ोन आ रहा है, निर्णय किया हुआ तो बताया गया उनको, वो सब लोगों को अवगत करा दिया। धन्यवाद।